नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारे पेज पे फिर से आके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जैसे ही हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख सकते हैं। रोज की तरह हम आज भी लेके आए हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आप कल इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है दोस्तों। मैंने इन स्टॉक्स पे पिछले कुछ दिनों से अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है, इस पे नजर रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक्स के बारे में और बताऊंगा इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, कल क्या करना है क्या नहीं करना है, सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा बहुत ही क्लियर तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस कैसा रहा। मैंने यहाँ पे, हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज निफ्टी में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिली। निफ्टी ओपन हुआ 8961 पे और एक पॉइंट पे ये थोड़ा नीचे गिर गया, 8855.30 तक गया, लेकिन धीरे धीरे निफ्टी रिकवरी करने लगा, रिकवरी किया और फाइनली ये जो बंद हुआ 0.63% के साथ ऊपर ही बंद हुआ, तो 8879 पे बंद हुआ। ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिली निफ्टी में। थोड़ा स्विंग हुआ लेकिन स्विंग ज्यादा नहीं था, मतलब कि थोड़ा एडजस्टेबल मैनर पे ही स्विंग था। सो ऐसे मार्केट बहुत ही अच्छा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का पैटर्न पता चलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कैसे क्या बिहेव कर रहा है। सो ऐसे मार्केट बहुत ही अच्छे हैं ट्रेड करने के लिए, ज्यादा स्विंग नहीं होता है। जो न्यू लर्नर्स है और जिनको स्टॉक मार्केट या इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उनके लिए ये मार्केट बहुत ही सही है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ज्यादा स्विंग्स देखने को नहीं मिलते, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। और इसके साथ हम दो स्टॉक्स कल रेफर किए थे। जो पहला वाला था भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, जो कि हम बोले थे कि बाय कीजिए 208 पे, और पहला टारगेट है 211, फिर रहेगा दूसरा टारगेट 214 और तीसरा टारगेट 217। तो चलिए देखते हैं भारती इंफ्राटेल ने कैसे परफॉर्म किया, और उससे पहले देख लेते हैं कि इसका सेल टारगेट क्या था। सेल का पहला टारगेट था 204, और अगर ये तो और भी नीचे गिरता है और बेरिश ट्रेंड दिखाता है तो दूसरा टारगेट था 201, फिर टारगेट था 198 और तीसरा टारगेट था 195। तो चलिए देखते हैं भारती इंफ्राटेल ने कैसा परफॉर्म किया आज के दिन। यहाँ पे मैंने भारतीय इंफ्राटेल ओपन करके रखा हुआ है। मैं पहले इसका मार्केट भी दिखा दूं। अब देखिए भारतीय इंफ्राटेल ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग ली और 212 डायरेक्ट गैप अप के साथ ओपन हुआ, और मैक्सिमम ये क्या है 220। 220 अगर आप देखेंगे जो हमारा टारगेट था वो सारे टारगेट क्रॉस कर गया, क्योंकि हमारा पहला टारगेट था 211 और मैक्सिमम थर्ड टारगेट था 217। लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल ने सारे टारगेट क्रॉस कर दिए और 220 जो कि हाई था वहां पे गया, और जो लो है लो भी देख सकते हैं। लो ये 201 हमारा पहला टारगेट था, सेल का टारगेट था 204, तो सेल का टारगेट इसने कभी क्रॉस ही नहीं किया। अगर आप देखेंगे पूरा प्रॉफिट में रहा सेल का टारगेट, मैक्सिमम लो 206 तक गया, जो कि 206 हमारा सेल के टारगेट में कभी था ही नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत ही चुनिंदा स्टॉक था दोस्तों, मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया हुआ था कल। और देखिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, हमें मुझे आपकी दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा डिप हुआ, मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन रहा है, आप ये ग्रीन कैंडल्स देख सकते हैं। रेड कैंडल्स बहुत ही कम देखने को मिले और बहुत ही छोटे छोटे, और जो भी रेड कैंडल्स देखने को मिले वो इमिडिएटली रिकवरी भी करके। तो यहाँ पे आपके ट्रेंड लाइन्स भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन्स बहुत ही अच्छे रहे दोस्तों। अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट गैप अप के साथ खुला, गैप अप के साथ कल 200 डायरेक्ट हाई के साथ, मैं इसको वनडे करता हूँ। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट गैप अप के साथ खुला, 212 के 208 के साथ ओपन हुआ, और ओपन होने के 15 मिनट के बाद ही ये देखिए कितना बढ़िया कैंडल्स इस पे बने और ये स्टॉक बस बढ़ता ही गया। तो हमारे सारे टारगेट जो भी थे भारतीय इंफ्राटेल के वो आज के लिए पूरे कह गए। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे स्टॉक्स के ऊपर, जो कर हम आपको रिकमेंड किए थे वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस भी बहुत ही बढ़िया कंपनी थी, कंपनी है दोस्तों,
और इस स्टॉक्स पे हमारा बाय का टारगेट था 665, और उसके बाद पहला टारगेट था 670, 675 और 680, और सिमिलरली सेल का टारगेट था 655 और पहला टारगेट था 650, दूसरा टारगेट था 645 सेल के लिए। तो चलिए देखते हैं इन्फोसिस ने कैसा परफॉर्म किया। मैं यहाँ पे इन्फोसिस का मार्केट डेप्थ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप देखिएगा तो मार्केट डेप्थ 664 पे खुला, जो कि हमारा बाय टारगेट से 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये रिकवरी कर गया और हाई 674 तक गया। 674 जो कि हमारा पहला टारगेट क्रॉस कर गया, दूसरा टारगेट को क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ ही पैसों से ये नीचे आ गया, लेकिन हमारा पहला टारगेट पूरा हुआ और लो गया था 655। लो गया था 655 जो कि हमारा सेल टारगेट था, लेकिन बस ये 655 से नीचे नहीं गया, 655 को बस क्रॉस करके आ गया। चलिए इसका चार्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करता हूँ इन्फोसिस का। यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हो इन्फोसिस ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया। ओपन हुआ गैप अप के साथ 660 पे, इसको मैं वनडे करता हूँ। हाँ, ओपन हुआ गैप अप के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट 664 पे ओपन हुआ, धीरे 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 बढ़ता गया, और पहले ही कुछ मिनटों में इसने 670 का जो पहला टारगेट है उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर गया। ऐसे हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया, और फिर आप देखिए स्टॉक धीरे 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 नीचे गिरता गया, और एक पॉइंट पे ये 655 तक आ गया। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिकवरी की, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कंटिन्यूअसली 665 से 670 के बीच में वैरी करता रहा, जो कि हमारा पहला टारगेट था। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पॉइंट पे ये थोड़ा नीचे गया, लेकिन अदरवाइज, और ये फाइनली 670 के पास, फाइनली जो फाइनली स्टॉक क्लोज होने से पहले 670 को क्रॉस करके हाई 671 पे गया और फाइनली क्लोज हुआ 670 पे। तो ये हमारे आज के दो स्टॉक्स थे दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किए। जो भी टारगेट दिए गए थे उसको इन स्टॉक्स ने क्रॉस किया, और इसमें आपको मैं याद दिला दूं, आपको डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा 4-5 पॉइंट का मुनाफा मिला होगा पर स्टॉक। चलिए दोस्तों इसके साथ चलते हैं आज के दो चुनिंदा स्टॉक्स जो हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है दोस्तों, इस स्टॉक्स पे आप कल ट्रेडिंग कीजिए। कल हम आपको बताएंगे कि कल स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, क्या ट्रेड करना है, किस पॉइंट पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, और ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलते हैं आज के स्टॉक्स के पास, स्टॉक्स के ऊपर। वैसे ही कल के जैसे आज भी हम आपके लिए चुनिंदा दो स्टॉक्स ढूंढ के लाए हैं दोस्तों। इस दोनों स्टॉक्स पे नजर रखिए कल आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए है, 20 मई 2020 के लिए। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है दोस्तों हम आपके लिए ढूंढ के लाए हुए। और पहला स्टॉक्स है एस्टेक लाइफ साइंस, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है दोस्तों। ये मेडिसिन कंपनी है कि बहुत ही आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मेरे वॉच लिस्ट पे ऐड होके था। सो एस्टेक लाइफ साइंस का लेबल क्या रखा गया है, यहाँ पे लेबल देखिए, कल इसको बाय कीजिए 603 पे, और पहला टारगेट रहेगा 608। अगर ये और भी ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 612 और तीसरा टारगेट रहेगा 615। और सिमिलरली अगर ये बुलिश बेयरिश ट्रेंड दिखाता है और नीचे गिरना शुरू होता है तो पहला सेल लगाइए 590 पे, क्लियर सेल की स्ट्रेटेजी रखिए। और फिर भी अगर ये स्टॉक और भी नीचे जाता है तो क्लियर एग्जिटली लीजिए 587 पे, 584 पे और 581 पे। चलिए स्टॉक का चार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको आज का मार्केट डिप दिखा दूं। आज देखिए ये स्टॉक 580 पे ओपन हुआ, बढ़ता ही गया। एक एक टाइम पे ये तो 614 पे चला गया था, लेकिन फिर भी क्लोज के टाइम में थोड़ी गिरावट आई इसमें, और ये स्टॉक 600 पे बंद हुआ। तो इसका चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही स्टॉक खुला, स्टॉक मार्केट खुला, यहाँ पे कितना बढ़िया, इसके बढ़िया बढ़िया कैंडल बने आज के लिए। और ये कैंडल पे लेकिन ये ज्यादा टाइम, और ये थोड़ा बीच में थोड़ा कॉन्स्टेंट ही रहा, ज्यादा वेरी वेरी नहीं किया।
जो कि बहुत ही अच्छा है ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, क्योंकि कांस्टेंट रहने से मार्केट के ट्रेंड ट्रेंड के साथ अगर आप कोई स्टॉक वारी करता है तो उसको ट्रैक करना बहुत इजी रहता है, इन्वेस्ट करना बहुत इजी रहता है। फिर यहाँ पे देखिए फाइनली कुछ कैंडल्स बने और आखिर में ये तीनों लाइन अगर आप देख सकते हैं ये मर्ज हो गए और ये तीनों लाइन का डायरेक्शन ऊपर की तरह दिखा रहा है। ये फाइनली 60 600 पे भी बंद हुआ आज। तो इस स्टॉक पे कल नजर रखिए, अगर ये स्टॉक जैसे ही मैंने पहले बोला अगर 603 के ऊपर जाता है, 603 क्रॉस करता है तो बड़ी बहुत ही बढ़िया पॉसिबिलिटीज है दोस्तों ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, 608 तक जा सकता है, 612 तक जा सकता है, 615 तक जा सकता है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक पे नजर रखिए कल, अगर जब भी आप इंट्राडे पे मार्केट कर रहे हो, कल अगर कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो ये स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर ये स्टॉक 603 के ऊपर जाता है तो बहुत ही बढ़िया बुल मार्केट बने, बुल ट्रेंडिंग बुलिंग बुलिश ट्रेंड रह सकता है इस स्टॉक पे, स्टॉक के ऊपर। और ये 608 तक जा सकता है, 612 तक जा सकता है, 615 तक जा सकता है। और सिमिलरली अगर ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है और ये बेरिश ट्रेंड दिखाता है तो इसको क्लियर सेल कीजिए, 590 पे क्लियर सेल की स्ट्रेटेजी रखिए। और अगर और भी नीचे जाता है तो 587 पे, और भी नीचे जाता है तो 584 पे, और अगर ये स्टॉक और भी नीचे गिरने लगता है तो 581 पे इसकी क्लियर एक स्ट्रेटेजी रखिए। इसी के साथ चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स के ऊपर। दूसरा स्टॉक हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं दोस्तों, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे वॉच लिस्ट पे थे तो आज ये स्टॉक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, तो इसीलिए कल भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है कर सकता है। अगर मैं आपको और एक चीज दिला दूं, जो भी मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूं अगर ये इंट्राडे पे काम नहीं करती तो इस स्टॉक को आप एक दो दिन के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है बुलिश स्टॉक्स है, अगर आज इसने परफॉर्म नहीं किया तो होपफुली कल भी ये अपना टारगेट पूरा कर सकता है। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए अगर आपका स्ट्रेटेजी इंट्राडे का नहीं है फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो इन स्टॉक को एक दो दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया का क्या है। यहाँ पे मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये ग्रैन्यूल्स इंडिया आज 165.25 पे बंद हुआ है और इसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए कितना बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, आज कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही बढ़िया कैंडल्स बने, सारे ग्रीन कैंडल्स आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही कम रेड कैंडल्स बने और जो भी रेड कैंडल्स बने बहुत ही छोटे छोटे बने। यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये, कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बहुत ही बुलिश स्टॉक है दोस्तों। इस स्टॉक पे कल ध्यान दीजिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ये स्टॉक आज ओपन हुआ 156 पे, लेकिन बढ़ के ये देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड लाइंस बने इसके, और ये एक पॉइंट के 168 पर चला गया था लेकिन ये वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाया और गिर गया। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है, इसका जो लेवल है वो 166 कल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये 165 पे बंद हुआ और यहाँ पे तीनों लाइंस मर्ज कर रहे हैं, और ये इस यहाँ पे क्या हुआ है ना, इसका ऊपर का ट्रेंड बनना है। और अगर ये स्टॉक कल 166 क्रॉस करता है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको दोस्तों, यहाँ पे मैंने लाइन कर्सर स्टिल रखा हुआ है, तो अगर ये यहाँ पे ये लाइन क्रॉस करता है तो बहुत ही बढ़िया पॉसिबिलिटी है दोस्तों ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, और ये स्टॉक जाके 168 तक जा सकता है, 170 तक जा सकता है, 171 तक जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली दो तीन पॉइंट का मुनाफा मिलेगा दोस्तों पर स्टॉक के हिसाब से ग्रैन्यूल्स इंडिया में। कल ये स्टॉक को नजर में रखिए, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है, जो कि होपफुली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन दे सकते हो, सारे कैंडल्स 160 के ऊपर ही बने हुए हैं, अगर ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है तो इसको क्लियर सेल की स्ट्रेटेजी रखिए 160 पे, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे कैंडल्स इसके 160 ऊपर ही बने हैं। तो इसीलिए अगर ये 160 के नीचे जाता है तो यहाँ पे उसको क्लियर सेल की स्ट्रेटेजी रखिए। वहां पे देखिए ये 160 का लाइन है, अगर 160 के नीचे गिरता है तो इसके इस यहाँ पे क्लियर एग्जिट की स्ट्रेटेजी लगाइए, पहला टारगेट रहेगा आपका 157 का, दूसरा टारगेट रहेगा 155 का, तीसरा टारगेट रहेगा 153 का।
ग्रैन्यूल्स इंडिया और आस्टेक, ये दोनों स्टॉक्स आपके लिए हम लोग चुन के लाए हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जैसे। और कल हम देखेंगे, कल मार्केट बंद होने से पहले हम वैसे ही और एक वीडियो बनाएंगे और वहां पे देखेंगे कि ये दो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए। आप क्लियरली देख सकते हो तो पिछला आज का जो स्टॉक सिलेक्शन था, भारती इंफ्राटेल, इंफ्राटेल लिमिटेड और इन्फोसिस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। हमारे टारगेट जो भी थे उसको क्रॉस करके बहुत ही बढ़िया मुनाफा मिला। सिमिलरली कल भी ऐसा ही हो सकता है दोस्तों। आस्टेक और ग्रैन्यूल्स, इस दोनों पे नजर रखिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको दे सकते हैं पर स्टॉक, 4-5 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं आपको। तो इन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए और हमारे चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टॉक मार्केट मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सुविधा हो, कोई असुविधा है ट्रेडिंग पे, अगर आप ट्रेड्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स जानना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो बेल आइकन है वहां पे भी प्रेस कीजिए, वैसे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा नया वीडियो अपलोड हुआ है करके, और आप आके देख सकते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करना है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आते रहिए और आपके जो भी थॉट्स है, जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं वो कमेंट्स पे लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।